देश में महंगाई एक बार फिर बढ़ने लगी है। आलू के बाद अब प्याज और टमाटर भी महंगा हो गया है। टमाटर 60 से 70 तो वही प्याज 55 से 65 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इस महंगाई के पीछे मुख्य कारण क्या है? अचानक से सब्जियों के दाम क्यों बढ़ गए और कब तक सब्जियों के दाम कम होने के आसार हैं? पहले कोरोना की मार, फिर बेरोजगारी और अब महंगाई, ऐसे में लोगों पर दोहरी मार पड़ने लगी है। इसी विषय पर दिल्ली के आजाद पूर्व मंडी पहुंचे हमारे संवाददाता दीपक सिंह। जमीनी हकीकत क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज आपने देखा होगा दिल्ली के आजादपुर मंडी में गए थे, जो प्याज के रेट थे 60 से 70 रुपए किलो जा रहे हैं। वही बताया गया होलसेलर के जो रेट है, अब आम जनता की पॉकेट पे कितना फर्क पड़ेगा, ये सीधा सीधा हम बात करते हैं। मैडम आपका नाम? रमा जी, आम जनता की पॉकेट पे कितना फर्क पड़ा, जो प्याज के रेट पड़ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं दिन पे दिन, कभी रेट बढ़ते जाते कभी घटते हैं, जो पहले के जो रेट देखा गया था कोरोना काल के अंदर देखा गया था रेट पे प्याज लोग कम खा रहे थे, ये और कुछ चीज़ें इसमें और निकल रही है, जो अब देखा गया लॉकडाउन के दौरान में 25% लोगों की तनख्वाह कट भी गई थी। जी, आप लोग अब महिला हो, आप घर गृहस्थी चलाते हो, प्याज का रेट किस तरह से बढ़ रहा है? सर प्याज ही नहीं, हर फल से लेके सब्जी से लेके हम लोग तो बहुत परेशान हैं। परिवार घर गृहस्थी चलाना बहुत कठिन हो गई, एक आम लेडीज़ के लिए घर गृहस्थी में बहुत प्रॉब्लम आई, चाहे वो जॉब करती हो या घर पे रहती है, क्योंकि बजट इतना बिगड़ गया है कि कोई चीज़ खरीदने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको क्या बताएं। बाहर इतनी प्रॉब्लमें बनी हुई हैं, अगर मार्केट में आ भी गए हैं तो कोई चीज़ रेट के अंदर में मिल ही नहीं रही है। तो ये देखा गया, इस टाइम हम कालीबाड़ी में खड़े हैं, करोल बाग की नई दिल्ली जो है कालीबाड़ी के मार्केट के अंदर करें, कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर आपका नाम? प्रेम कुमार ओझा। प्रेम जी, आपने अभी सब्जी खरीदी है, और सब्जी का क्या रेट आ रहा है और क्या रेटों पे आप सब्जी खरीद रहे हैं, आपकी पॉकेट पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? भैया जीना मुश्किल हो गया है, पॉकेट पर क्या बताएं, कोई भी सब्जी 80 रुपये 60 रुपये से नीचे नहीं है। जो प्याज आजकल 30 रुपये मिलता था वो आज 60 रुपये 50 रुपये किलो ले रहे हैं, जो आलू 30 रुपये मिलता था आज उसको हम 50 रुपये किलो खरीद रहे हैं। खाना है, जीना है तो खरीदना ही है। तो लॉकडाउन के दौरान में देखेगा 25% आपकी तनख्वाह भी काटी गई थी, सरकार ने काटी है 25% तनख्वाह, अब किस तरह से अपने गृहस्थी आप चला पाओगे? भैया किसी तरह कर्ज ले ले करके डूब रहा है आदमी कर्ज में, खाना है तो किसी तरह खाना ही है, जैसे भी हो कर्ज ले के खाए, खेत बेच के खाए, देह बेच के खाए, सरकार को इससे क्या मतलब है, सरकार तो रोज नया नया कानून के चक्कर में पड़ी है सिर्फ। तो ये देखा गया, कुछ लोग और भी जुड़े हुए जो दुकानदार है, छोटे जो दुकानदार है, किस तरह से सब्जी लेके आते हैं आप लोग? आपका नाम? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी, जो आप लोग सब्जी लेके आए हो, अब जो एक दुकानदार से हमने पूछा है, खरीदार जो था, वो रेट बता रहा है 50 से 60 रुपए किलो, आप इतना रेट महंगा क्यों दे रहे हैं? क्या 50 से 60 रुपए किलो है आलू प्याज? हाँ हाँ, आलू प्याज 50 60 रुपए किलो वो बेच रहा है। आप लोगों ने 50 से 60 रुपए दिया है, जो आम जनता है उनकी पॉकेट पे फर्क पड़ रहा है, इतना महंगा क्यों दे रहे हो आप लोग? सर महंगा नहीं दे रहे, महंगा आगे से आ रहा है, 40 रुपये के आसपास का किलो आ रहा खरीद करके, ठीक है, उसमें किराया भाड़ा भी है, उसमें क्वालिटी बनानी है, कुछ हम 40 ला कर 45 भी दे देते हैं। क्वालिटी किस तरह की बनाएंगे आप? क्वालिटी सर उसमें ABC तीन वैरायटी बनती है। 40-50 रुपये के अंदर आप मार्केट से होलसेलर मंडी से? हाँ हाँ, 40 के आसपास का आता है। तो उसका आप तीन क्वालिटी बना, तीन क्वालिटी के अंदर एक क्वालिटी का रेट क्या रखते हो आप? एक क्वालिटी 45 रुपये किलो रखते हैं। अच्छा, आपको 45 रुपये किलो प्याज दे देंगे हम, चलो 50 रुपये भी दे देंगे मीडियम क्वालिटी के। जी मीडियम क्वालिटी का प्याज जो है 50 रुपये मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, 45-50 बहुत हाई फाई बढ़िया प्याज जो है 60 के आसपास भी होता है, इसी बात। ये देखा गया, ये जो नीचे स्तर के लोग है, जो दुकानदार है, वो क्या कह रहे हैं, तीन क्वालिटी हम बनाते हैं, जो मंडी से प्याज आता है 30-50 से 60 रुपये किलो, और कहीं ना कहीं एक जो देखा गया सीधा सीधा मार पड़ती है आम जनता की पॉकेट पे। ये इसमें भी क्वालिटी बता रहे हैं, तीन तरह की क्वालिटी बनाते हैं, जो पहली क्वालिटी होती है वो 50 से 60 रुपये, उससे नीचे आओगे 40 रुपये, उससे नीचे आओगे 30 रुपये, ये क्वालिटी इनके गिना रहे हैं। क्या लगता है कितारों पे कितना फ़र्क पड़ेगा किसान का? देखा गया अभी हाल ही में एक बिल पास हुआ था, उस बिल के पीछे तमाम राजनीति अपनी राजनीति गरमा रही है, और इस तरह से क्या लगेगा आम जनता को कितना घिरना पड़ता है। कैमरा पंकज के साथ ENB News दिल्ली।